मुंबई से सटे इलाके दहिसर की, जहां पर पूजा हेमंत पांचाल नामक विवाहिता ने अपने ही ससुराल वालों पर दहेज प्रथा का मामला दहिसर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है। और विवाहिता का यह भी कहना है कि वह अपने पति से तंग आकर उससे अलग रहना चाहती है। तो वहीं दूसरी ओर पीड़िता ने यह भी कहा कि उनके बेटी को उनके पति नहीं लौटा रहे हैं, जिसकी मदद के लिए देश विदेश में सामाजिक सेवा, किसानों, महिलाओं के विकास के प्रति समर्पित संस्था महाकाल मानव सेवा की अध्यक्षा और प्रसिद्ध साध्वी गुरु माँ कंचन गिरी के दिल्ली से मुंबई आने पर दहिसर पुलिस स्टेशन में मामले को उजागर करने के बाद पीड़िता को उसके पति ने उनके बेटी को उसके पास सुपुर्द कर दिया है। इसके लिए प्रसिद्ध साध्वी कंचन गुरु माँ ने मुंबई पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। तो आइए सुनते हैं पूरा मामला क्या है। मेरा नाम पूजा हेमंत पंचाल है और मेरे ससुराल वाले ही मुझे दहेज के लिए इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने इतना मुझे मारा है कि मैं एक बिस्तर से उठ नहीं पा रही हूँ। मुझे मेरी बेटी नहीं दे रही पैसों के लिए। वो बोलते पैसे दो तो बेटी मिलेगी। इसलिए मेरी गुजारिश यही है, दरखास्त है दहिसर पुलिस स्टेशन में, मैंने इसलिए अर्जी दी है कि मुझे बेटी दे। 2.5 साल की बेटी है जो इन्होंने रखा है अपने पास, और बेटा भी मेरे पास है, वो 2.5 महीने का है। शादी 6 साल पहले हुई है, 2012 में 9 दिसंबर को शादी। तो बहला फुसला के शादी कर लिया मुझसे जबरदस्ती, एकदम दबाव में। शादी के बाद उन्होंने इतना मुझे बहुत परेशान किया, बहुत मारा पीटा कि पैसा लाओ। हम लोगों ने पैसा भी दिया। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, अब वो सक्षम नहीं है कि उनकी डिमांड पूरी कर सके। इसलिए मैंने यही डिसीजन लिया कि मुझे अब उनके साथ नहीं रहना, मुझे अपने 2 बच्चे पालने। पुलिस ने कहा है कि आपकी इंक्वायरी रहेगी, हम आपको न्याय दिलाएंगे। मैं यही गुजारिश करूंगी जो मैंने आज दिया है, दर्ज किया है मामला, वो मुझे न्याय मिले, बस मैं यही गुजारिश करूंगी। उनके लिए तो मुझे कुछ कहना नहीं, अभी जो मेरे ऊपर बीत गया वो तो वो दोहरा नहीं सकते हैं। 21वीं सदी में जब लड़कियों को प्रताड़ित किया जाए, माँ बाप पढ़ाते हैं बच्चे को इतनी शौक से और उसके बाद उसका पालन पोषण करते हैं, और जब शादी होती है, शादी होने के बाद वो डिमांड पे डिमांड रखते हैं। तो आज 21वीं सदी में हम लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब से इसकी शादी हुई है तब से ये टॉर्चर हो रही है इसके। इसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तरह तरह के इसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। जब इसके बेबी होने वाले थे तब भी इसको मारा गया, पीटा गया। तो ये बार बार कॉम्प्रोमाइज करके घर जाती है, बार बार यही होते हैं। तो इसकी कुछ पैतृक संपत्ति है जो कह रहे हैं कि वो आप उसको बेच के हमें पैसा दीजिए 50%। लड़के की बार बार डिमांड है, 2 साल की 2.5 साल की बच्ची है वो इससे छीन लिया गया है, वो नहीं दे रहा है इसे, और हर रोज की ड्रिंक करके इसको मारना पीटना, नौकरों की तरह काम करवाना। हम लोग दहेज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी दहेज प्रथा नहीं हटी है। लोग मानसिकता ऐसी मानसिकता बन गई है कि हम लड़की वाले से जितना हो सके हम ले। इसी कारण से लड़की इतनी प्रताड़ित थी, मुझे इसने गुहार लगाई, मैं दिल्ली से मुंबई चली आई हूँ और इसको जरूर न्याय मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो मैं इसके साथ हूँ, आगे कोर्ट में जाना पड़े, डीसीपी के पास जाना पड़े, उस लड़के को जरूर सजा मिलनी चाहिए। आज से नहीं, 20 साल से महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, आगे मुझे जहाँ जाना पड़ेगा, मेरी संस्था इस बच्ची के साथ है और आगे की लड़ाई भी बच्ची के साथ मैं लड़ने के लिए तैयार।